हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं जो रिव्यू दिखाने वाला हूँ बैट रिपेयर के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग बैट से खेलते खेलते परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता है बैट, उसका भी एक रीज़न होता है। लोग बाग अच्छा बैट होता है मगर खेलने में मज़ा नहीं आता। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ जो रिपेयर का, तो आपको पता ही है कि रिपेयर का कितना बड़ा मेरा काम है और कितना बड़ा नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि ये हैंडल, ये 6 लेयर का हैंडल मैंने लगाया है बैट के अंदर, ये 6 लेयर का हैंडल है। तो दोस्तों, इस बैट की बात करते हैं, इस बैट के अंदर क्या दिक्कत थी सबसे पहले, और इसके अंदर हैंडल क्यों डला है। तो आज मैं एक चीज़ आपको ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मैच खेल रहे हैं और खेलते टाइम बैट के शोल्डर में दिक्कत आती है, जैसे लाइक दैट इस बैट के अंदर मैं दिखलाऊंगा, जैसे कि यहाँ इस शोल्डर के अंदर प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इधर की तरफ भी ये शोल्डर के अंदर प्रॉब्लम है, दोनों तरफ शोल्डर में प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देख सकते हो हल्का सा निशान है। तो दोस्तों, शोल्डर के अंदर प्रॉब्लम कब आती है, जब इनसाइड बैट हैंडल की लेयर खुल जाती है। हैंडल की जब लेयर खुलती है तो शोल्डर खुलने लगते हैं, और जब शोल्डर खुलने लगते हैं तो लगता है क्रिकेटर को कि बैट गया, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। कभी भी आपको लगे कि बैट का शोल्डर खुलना शुरू हो चुका है, तो समझ जाइए कि बैट का हैंडल खुलने लगा है, मतलब बैट का हैंडल डेड हो चुका है ऑलमोस्ट। तो उससे ज़्यादा मैच ना खेल के सबसे पहले उसका हैंडल ओके कराइए। तो दोस्तों, इसी तरीके से और बैट भी मेरे पास लगभग 80% यही क्वेरी होती है। इस बैट के अंदर भी वही प्रॉब्लम थी, डिक्टो, ये तेलंगाना से बैट रिपेयर के लिए आया है। इसके शोल्डर फिक्स करे गए हैं, ये दोनों तरफ जो लगा हुआ है शोल्डर फिक्स किए हैं, फिर इसका हैंडल चेंज किया है। हैंडल इसके अंदर भी 6 लेयर का हैंडल है। तो जो सिंगापुरी कैन हैंडल होता है, जो कि बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं इस हैंडल को, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है बहुत ही कम यूज़ करते हैं। और दोस्तों, हम अपने मैं बैट के हैंडल की फिनिशिंग के बारे में बताते हैं कि हमारे हैंडल की फिनिशिंग किस तरीके से होती है, क्या क्वालिटी होती है हैंडल की फिनिशिंग की। तो दोस्तों, लगने के बाद ये ऑलमोस्ट ऐसा दिखता है हैंडल, ये सिंगापुरी कैन हैंडल है अपना, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, एकदम लेवल हुआ जबरदस्त तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो, ये बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इसको तैयार किया जाता है। अभी इनकी फिनिशिंग के बाद इसको ऐसे ही तैयार कर दिया जाएगा दोस्तों। ये 6 लेयर के अंदर हैंडल है, ये 3 लेयर है, ये इसके अंदर ये 4 लेयर हैंडल है। तो ये टॉप क्वालिटी होती है सिंगापुरी के हैंडल की। चलो मैं हैंडल भी दिखला देता हूँ, किस किस तरीके के हैंडल होते हैं, हैंडल की क्वालिटी किस तरीके की होती है। तो दोस्तों, मेरे पास जो हैंडल है वो 4 तरीके के हैंडल हैं, और इन चारों हैंडल के बारे में आपको मैं आज बताऊँगा कि इनकी क्या क्या क्वालिटी है और ये हैंडल कैसे हैं। तो दोस्तों, ये सिंगापुरी कैन हैंडल है 1, 2, 3, 4 लेयर के अंदर, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट आपने देखा होगा बैट के अंदर यही हैंडल यूज़ होता है। ये सबसे मतलब ज़बरदस्त क्वालिटी है ये। और एक आता है ये नॉर्मल हैंडल, ये 12 लेयर का हैंडल होता है, जो कि आप देख सकते हो इसके अंदर 12 पीस जुड़ के तब ये हैंडल रेडी होता है। आज से लगभग 10 साल पहले BDM या बड़ी बड़ी कंपनी इस हैंडल को यूज़ किया करती थी। एक हैंडल ये हो गया, और ये भी सिंगापुरी कैन हैंडल है, ठीक है, ये रबर के अंदर होता है, ठीक है। और जो मैंने इससे पहले दिखलाया है, ये भी सिंगापुरी कैन हैंडल है, ये कोक के अंदर है। तो दोस्तों, ये टॉप क्वालिटी है रबर के हैंडल से, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और हैंडल ये जल्दी खुलता नहीं है। और अब आ जाओ सबसे लास्ट के अंदर, ये 6 लेयर का हैंडल। तो दोस्तों, ये सिंगापुरी कैन हैंडल जो कि टॉप क्लास का हैंडल है 6 लेयर के अंदर, ये कंपनी नाके बराबर लगा के देती है हैंडल। लगभग ये उन बैट के अंदर लग के आता है जो लगभग 50,000 प्लस होते हैं, अराउंड 80 या 1 लाख के अराउंड जो बैट होते हैं, 1 लाख के अराउंड, तो उन बैट के अंदर ये हैंडल लग के आता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये सिंगापुरी कैन हैंडल होता है इन 6 लेयर के अंदर। तो दोस्तों, इसकी ये चूक निकली हुई है, मतलब ये लेवल किया गया है क्लफ्ट में लगाने के लिए, और लगाने से पहले ये इस तरीके का होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ध्यान से के लेयर किस तरीके से, एकदम मैं करीब से दिखा देता हूँ, ये 6 लेयर हैंडल होता है, पूरे इस तरीके का दिखता है, और बाद में फिनिशिंग के बाद
अलग ही लुक आता है इसका। तो दोस्तों हैंडल की ये कहानी है और हैंडल ही मेन पार्ट है, पूरा गेम हैंडल का ही होता है दोस्तों। अगर हैंडल सही नहीं है बैट के अंदर तो समझो बैट बेकार है, चाहे वो लगभग 20,000 की क्लब हो या 50,000 की क्लब हो, अगर हैंडल अच्छा नहीं डला हुआ तो बैट ऑलमोस्ट बेकार है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये मास्टर 1000 बैट है और हैंडल का प्राइस है सिर्फ 1250 रुपये 6 लेयर हैंडल। तो दोस्तों ये बैट के अंदर मैं लगा के देखता हूँ, वो ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों ये, और अपने इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, अभी ये फिनिशिंग, अभी इसको फिनिशिंग किया है जैसे कि आप देख सकते हो कि ऊपर उबड़ा खुबड़ा है, मतलब उठा हुआ है। फिनिशिंग के बाद ये आपको ऐसा लगेगा, एग्जाम्पल की कमी नहीं है अपने पास में, ये ज़बरदस्त लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वालिटी होती है हैंडल की। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर बैट के शोल्डर खुल चुके हैं ना, तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना, तो आपका हैंडल टाटा बाय बाय कर चुका है। मतलब हैंडल की जो टाइटनेस होती है ना वो लूज हो चुकी है, तब शोल्डर खुलता है बैट का, उससे पहले कभी बैट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर शोल्डर खुलना शुरू हो गया समझो बैट का हैंडल गया, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, अगर न्यू बैट की रिक्वायरमेंट है तो, या रिपेयर की रिक्वायरमेंट है तो ऑन स्क्रीन अपना मोबाइल नंबर मिलेगा, सीधा कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। तो चैनल सब्सक्राइब कर लगाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।